नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज अपन राजस्थानी में बात कर रहा है। मैं आपने मेरा जो बचपन है जी टेम में करीब करीब 6-7 साल को 1976-1977 के आसपास में बी टेम को एक संस्मरण आपने जो है बताऊंगा मैं। तो चूंकि वह बात राजस्थानी की है तो आप शुरू से ले लास्ट तक राजस्थानी बोल लें तो क्या कह रहे लो ज़्यादा बढ़िया रहो आपने आनंद भी आओ। तो दोस्तों मारो जो बचपन है वो सीकर जिला में जो मंदिर है बट है बचपन जो है वो गुजरे हो मतलब रियो में 1969 से ले और 79 10 साल की उम्र तक जो है मैं बढ़े नांदेरा के अंदर रही हूँ। तो मैं कहें करता हूँ कि जब छुट्टी होती है तो बीटे वहाँ के जो मामा जी का खेत है अभी के अंदर है खेत को थोड़ा काम करवाने चले जाते हो यानी सुबह कहें करता हूँ कि जो डांडा होता गाय बकरी है ना छाली यानी कि जिनापा बकरी ऊँट गाय और भैंस आ सब ना आपा कहें करता है कि सुबह सुबह कली होकर टूल जाता और वाने खेत भी खेत पर ले जाता। तो और जी टाइम पर स्कूल जाता है बीटेम दोपहर बाद में चलाया जाता है स्कूल नहीं जाता बीटेम पूरे दिन चलाया जाता है। तो बड़ा आनंद आता बहुत कम उम्र लेकिन फिर भी काफ़ी सारा काम करता है यहाँ लगते हुए बनकर काम करता है। तो 1976-77 के आसपास की बात है जी टाइम में करीब 6-7 साल को हो वहाँ के नांदेड़ा के अंदर पीछे एक आसो बाबू आशा राम बुनकर जी के नाम से एक आसो बाबू रहते हो बिन मैं आसो मामू कहता हूँ। आसो मामू क्यों कहते हो क्योंकि मारो नांदेड़ो हो तो जो है बट जो भी आज मामा वगैरह लागता हमारा तो मैं आंसू मामू बोलता हूँ मैं कहीं करता हूँ कि खेती बाड़ी थोड़ी कम ही तो भाई जो है मामा जी का खेत के अंदर थोड़ा काम कर लेता जब भी बारिश वगैरह होती है कुआ वगैरह होता को नहीं और बारिश के ऊपर सब कुछ निर्भर हो तो जब बारिश होती है तो फटाफट सब लोगों ने खेत जोतना होता मामा जी फौज में आ तो भाई लोग काम करता को नहीं नाना जी वह जी हाँ तो भाई भी खेती कौन करता तो जो पालती है वह आज जो है काम करता पालती को मतलब जो खेत में संभाल रहे तो आसो मामू जो है वो कहीं करते हो कि ये बारिश आई तो खेत को काम करिए मैं लोग गया जो भी निनाड़ जो भी करा भी काम करिए। तो 1976-77 के आसपास में एक बार की आपने संस्मरण बताऊँ बहुत अच्छा लगा आपने कि माँ के जो मामी जी है मैं कहीं कर टिफिन के अंदर मन चावल को सीरो जो है वो पैक करो दे दिया चावल ना आपा पीसा ना आपा चावल ने जी आप पीस लिया और पीसर जी आप सूजी को या आटा को शीरो बनावा या चावल को शीरो बने आप लोग खाता होगा आटे भी को तो मैं पैक कर दे दिया तो मैंने आसो मामू बोलो अरे आ जा माना खड़ू खा लिया। अब सुबह तो ब्याड़ू बोला रात में आप बोला कहीं बोला करे सुबह ब्याड़ू नहीं ब्याड़ू शाम का सुबह कले और दोपहर में आप कहीं बोला याद कर लो पी तो दोपहर का खाना के लिए आ जा माना खड़ू खा ले मुझे आसा मामा तू खा मारे हूँ तो मैं मुंडो बठिन कर कहीं करो टिफिन में खोलूँ जे खोलो जोर से खोलो और खोलता है वो मिट्टी के अंदर गिर दो कहीं गिर दो टिफिन गिर दो और भी वो करीब करीब या मानो कि 60-70% जो चावल को सिरों को मिट्टी में गिर उठावा कोशिश करो लेकिन तरीका मुँह तो बोले अब तो सौ में बीमा खा पाए आसू मामू बहुत चिड़ाए हो अच्छा छुपर तू खा रहे हो ना कहीं हो है तो वो जो बीस दिन को जो दिन है वो बहुत याद आवे है मैं भी तरीका हूँ कौन खास करो आसो मामू तो खिलाड़ी उगर में है ना तो कि वो बचपन हो जो है वह बात है। तो मैं बचपन की बातें बड़ी याद आ रही अब तो मेरे ख्याल से जो लोग गांव में रहे वही जाने लेकिन वे भी बहुत और कौन देखा दोस्तों जो केवल बारिश की खेती होती कोई संचार साधन माध्यम को नहीं हो है ना और केवल खेती घर घर खेती और कुछ लोग नौकरी करता तो सुबह जो है बकरी ने भैंस ने गाय ने जो है वो टोल तो क्ले होकर जो है खेत में ले जाता हो अकेलो ही और खेत बढ़ाओ कितनी दूर हो घर से मेरे ख्याल से किलोमीटर तो करीब हो हाँ किलोमीटर करीब मान लो अभी एक किलोमीटर में देख लो आपकी पूरा रास्ता जो है करीब करीब को एक आध जना मिलता और डीओ करता है बकरी ने है ना भैंस ने गाय ने बन टोलता ले जाता खेत में बन खुला भी रखता बांधता भी नाडिया पर ले जा खानो बन पानी वानी भी पिला लेता और वह जानवरों को डर बोलना दोस्तों आपने मैं बताऊँ अब आज तो आपका कहीं करा कि आज अगर मन भी गांव में कोई भी गांव में बोलते साहब आपने अठे दिन में अकेले दो चार घंटा रहना है तो मन तो जानवरों को डर लगे लो आज भैंस गाय कोई मार जा रही कुछ तो आ जा रहा या जो भी है तो खेवा को मतलब जब आप दिन भर एक ही काम करा तो बैठा अपना जो शारीरिक दिमाग जो है वो एक साथ कहीं जाएगा अपन कोई डर नहीं है और आपने से ही वह डांडा डर है यानी अब तो सो छड़ी जो है जैसे अच्छी खासी आप पांच भैंसा ने गाय ने बकरिया ने ऊँट ने सन आप जो है वो कहीं कर सकोगे ना
बेल सको, बन जो है भगा सको, डरा सको, और जो है बांको का ही करता कि नीचे पावा के अंदर का ही करता, मगर रस्सो भी बांधता, मुंडा के छिंकी भी बांधता, छिंकी भी बांधता कि वह दूसरा का खेत में कुछ खाने ले, और अकेले कर ले तो कोई डरी को नहीं। और आज आप सोचा कि क्या भैंस वगैरह के करा तो आपका पड़ पैस का, तो बस आसो मामू याद आ गो इलियो संस्मरण आप लोगों ने बतायो, मन ला गया, अच्छो लागे लो, अच्छो लागे लो आपने आसो मामू। अब साल एक बार पहले जो है स्वर्ग से धार का, मैं 2-3 साल पहले नंदेरे गए हो, मैं बीच में गए, लेकिन 2-3 साल पहले जब गए हो तो आसा मामा के साथ में एक फ़ोटो भी खिंचा रहे हो बी टेम में रहा। आज के 2-3 साल पहले मैं 83-84 होगा, तो खैबा मतलब काफ़ी बुजुर्ग जो है मैं होगा, तो बचपन को कोई मुकाबला कम दोस्तों। और मैं तो होगा जाके खेती बाड़ी है, खेत में थोड़ा आनंद ले, जो जमीन वगैरह नहीं है बारे घूमवा जाओ, है ना, प्रकृति से जुड़ो, जानवर से जुड़ो, क्योंकि शहर तो केवल पत्थरा कोड़ी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपका दोस्त भवानी शंकर भटोई भटोई विजन में स्वागत करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर भी लेना, क्योंकि आप खुद कभी राजस्थान में कुछ बातें किया करेंगे। ठीक है, ढेर सारी खम्मा गणी आपने, धन्यवाद दोस्तों।